यूपी की प्रयाग नगरी इलाहाबाद में बीजेपी के दिग्गज नेता राज्य में वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर पार्टी राज्य में एक आंतरिक सर्वे कराएगी। सर्वे में 6 नाम शामिल किए जाएंगे और यदि संभव हुआ तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया जाएगा। यूपी में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का नाम काफी दिनों से चर्चा में है। इसके अलावा समय समय पर गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम भी कई बार उछाले गए, लेकिन पार्टी ने अभी किसी भी नाम पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने को लेकर पार्टी काफी सजग है। पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाह रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों के अनुसार जिन 6 नामों को सर्वे में शामिल किए जाने की संभावना है, उनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डॉक्टर महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया शामिल हैं। पार्टी सूत्र के अनुसार सर्वे रिपोर्ट 2 महीने के भीतर आ जाएगी और इसके बाद इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि बीजेपी किसे यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जनता के बीच जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।